दोस्तों हम पीर पंजाल के जो टॉप जो जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन थी ननन सर से हम होते हुए अभी पहुँच चुके हैं खुआ वाली। तो यहाँ पे रास्ते में हमें बारिश तेज़ हो चुकी थी, हमने चाय पी लेकिन उसे साबुन डाल के दे दिया सर। तो लेकिन हमें अच्छा लगा, हम जो है ननन सर से वापस आ रहे थे, रास्ते में हमें बारिश लगी और हम बहुत भीग चुके हैं इस वक्त, हमें मुझे बहुत सर्दी लगी हुई है और एक कंटीन्यू उसने हमें चाय दी। फिर रास्ते में लोग जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है, हमें खाना भी खिलाया, लोगों ने चाय भी पिलाई और मतलब बहुत अच्छा लगा। आइंदा अगर फिर हमें मौका मिलेगा तो हम दोबारा फिर आएंगे। चावल बनाने में यहाँ से हमने लकड़ वगैरह इनसे ली थी, जहाँ पे हम यहाँ रुके हुए हैं लकड़ बहुत नीली और गीली थी, जिसको कहते हैं पानी डुला था लकड़ी के ऊपर सर, और बहुत दिक्कत हुई हमें। हम कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो चूल्हा था ना, इन्होंने बटूला, ये बटूले के ऊपर दो तीन पत्थर रखे थे, बटूला छोटा था। हम आपको बटूला दिखाते हैं, एक बटूले की तरफ कैमरा मोड़िए। कैमरा के बाद यहाँ से हमने साग भी पकाना था और अचानक जब चूल्हा नहीं बाल रहा था तो फिर हमने साग जो दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट किया, हमारे वहाँ पे जो हमारे जिन चाचा के हम यहाँ पे रुके हुए ना उनके पास, हमने साग को शिफ्ट कर दिया और साग के लिए यासीन भाई और हमारे साथ में गए हुए हैं रजा भाई, जोगी भाई, जोगी भाई, रजा जोगी भाई गए हुए हैं साथ। थोड़ा सा मैं बताता हूँ मैंने फूकी कैसी यार, यहाँ से सोके ना इस तरीके से सारा मैंने यहाँ पे बहुत कष्ट उठाया है। अब हमने लस्सी जो है मांग के लाई है क्योंकि यहाँ पे मांगने की बहुत हमें आदत हो गई है, मांग मांग के खाना पीना पड़ रहा है। जो एक बकरोटा ऊपर से माल से खरीद के लाया था और उसका मांस निकला 10 किलो। हमारे साथ एक प्रॉब्लम होगी कि मैं और यासीन भाई काट रहे थे बकरे को, पीस बड़ा बड़ा काट दिया, सीख का पीस जो था वो उसका पीस काट रहा था तो हमने बड़ा पीस काट दिया था, तो हमारे साथ यहाँ पे ये गड़बड़ होगी। जो ठेका था वहाँ सिर्फ काटने का ठेका था, बाकी जो पकाने का ठेका वो हमारा प्रोग्राम है, ये पूरी रात चलेगा, आज यहाँ भारी चलेगा, आज रात शेजार भाई बोल रहे हैं सोना नहीं, सोना नहीं, हम टेंट में भी नहीं जाएंगे। दोस्तों हमारा ट्रैकिंग जो है आज समाप्त हो जाएगा जी, तो आज हम कुछ आपको दिखा रहे हैं वो है आखिरी हमारा पड़ाव नूरीछम। आपको बताते चले कि हमारा जो ट्रैकिंग था बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बता दो जो हमारे फ्रेंड थे उन्होंने बहुत अच्छा कॉपरेट किया, जिस काम के लिए बोला सब हम फिट और फाइन आए, कोई बीमार नहीं हुआ सबसे थैंकफुल गार्ड का ये है कि हमारी ट्रैकिंग जो सफल रही। उसके बाद में आज आपको बताते चलो कि हमने सरीम स्थान के ऊपर आज कबड्डी का मैच भी खेला 3 घंटे के लिए, तो उसने हमारी ट्रैकिंग में और भी 4 चांद लगा दिए। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारा बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमारा जो ये ट्रिप था हम दोस्त लोग जो थे हमने ये किया था, अरेंज तो हमारा बहुत अच्छा रहा ट्रिप, हमने मतलब बहुत सारी जगह देखी, जितनी जगह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमने उससे बड़ी जगह देखी और हमें जो लोग मिले वो भी बहुत अच्छे मिले,
तो मतलब बहुत अच्छा रहा। और जी सर, जहाँ तक इस टूर का सवाल है कि मुझे ये टूर बहुत अच्छा लगा है, और इसके पहले मैं एज ए गाइड टूर के साथ जाता था, कम से कम मैंने 10-20 टूर लगाए और सबसे अच्छा ये टूर रहा। और इस टूर का हमारे लास्ट दिन सबसे पहले बगनू वाली टोक हमने क्रॉस की, उसके बाद सिंथाम आई, उसके बाद बनोटा आया, उसके बाद पंचतारी आई, उसके बाद खुआ आया, उसके बाद ब्याड़ आया, उसके बाद रावी आई, उसके बाद हम सरू पे गए। लास्ट हमारा जो टारगेट था वो सरू पे जी। और उसके बाद हम जब वापस आए पाँचवें दिन और छठा दिन हम गए सरी मसान देखा हमने, जो एक बहुत मशहूर डॉक है, उससे पीर पंजार रेंज पूरा दिखता है। और हमने वो भी, मैंने कुछ भाइयों से पूछा भी था, वो बोल रहे थे कि हम पहली बार आए, पहली बार डॉक डॉक का नाम सुना था लेकिन डॉक पहली बार देखी है, और सरू का नाम भी बहुत बार सुना। मुझे इस टूर में काफ़ी चीज़ की कमी लगी, जैसे आपने टेंट लाया था, अच्छी बात है, टेंट बहुत ज़रूरी है, स्लीपिंग बैग इधर बहुत ज़रूरी है।